अ वेरी एलिगेंट एंड गॉर्जियस ब्राइडल मेकअप लुक. सो ये वाला मेकअप लुक आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ भी क्रिएट कर सकते हो. ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि हमें एक्सपेंसिव ही यूज करना है, वेयर एज आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ भी एक अच्छा सा लॉन्ग लास्टिंग ब्राइडल मेकअप क्रिएट कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी रिसेंटली हम लोग गोवा गए थे, वहां से बहुत ही ज्यादा टैनिंग हो चुकी है, फेस पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो चुकी है. तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको बैटल करने के लिए आई हैव बीन लविंग दिस कोजिक एसिड सीरम फ्रॉम डर्माको. सो डर्माको के प्रोडक्ट्स यू ऑलरेडी नो मुझे कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं. ऑल्सो गाइस, डर्माको का सैलिसिलिक एसिड सीरम ने मेरे एक्ने को बहुत ही ज्यादा कम करने में हेल्प करी है. तो अभी स्पॉट्स रह गए हैं और हल्की सी मुझे टैनिंग हो गई है, पिगमेंटेशन हो गया फेस के ऊपर. तो ये कोजिक एसिड सीरम जो है ना, ये फेस की टैनिंग को, पिगमेंटेशन को और डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन सबको रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. काफी ज्यादा रनी कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, तो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है. सो दिस इज एक्चुअली 2% कोजिक एसिड फेस सीरम जो कि आपके पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है. आपको इसमें 1% अल्फा आर्बुटिन भी मिल जाता है. ऑल्सो इसमें नाइसिनमाइड भी है. यू हैव टू यूज इट 2 times, एक दिन में एक रात में. मेक श्योर कि इसके बाद आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना. इसके 3 to 5 ड्रॉप्स अप्लाई करने से यू विल नोटिस कि धीरे धीरे ना आपकी पिगमेंटेशन, एक्ने स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन और इन माय केस मैंने तो अपनी टैनिंग भी रिमूव होते हुए देखा है. एंड समझ आ रहा है टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, और स्पेशली अभी गोवा गए थे तो वहां पे तो बहुत ही ज्यादा टैनिंग हो गई थी. 2% कोजिक एसिड फेस क्रीम अगेन बाय डर्माको. फेस क्रीम के अंदर आपको 2% कोजिक एसिड के साथ साथ आपको मिल जाएगा विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड. डर्माको इज डिजाइन बाय डर्मैट, सो यू कैन एक्चुअली रिलाई ऑन दिस ब्रांड, क्योंकि ये ब्रांड डॉक्टर्स ने ही बनाई हुई है. सो विच इज सच एन अमेजिंग थिंग. सो ये दोनों प्रोडक्ट्स का परचेसिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यू कैन बाय इट फ्रॉम thedermaco.com. एंड अगर आप उनकी वेबसाइट से परचेज करते हो, यू कैन यूज माई कोड RushiP2022 फॉर 20% ऑफ. इट्स नॉट एन अफिलियट कोड, मतलब मुझे कुछ भी इससे नहीं मिलेगा, बट ऑफकोर्स आपको 20% ऑफ मिल जाएगा. सो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर दीज प्रोडक्ट्स. एंड नाउ आई एम गोना कंटिन्यू विद माय मेकअप. मेरा स्किन प्रेप हो गया है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप स्किन को अच्छे से प्रेप कर लो बिफोर डूइंग योर मेकअप, स्पेशली इफ यू वांट योर मेकअप टू यू नो लास्ट लॉन्ग थ्रू आउट योर नाइट, थ्रू आउट योर वेडिंग. सो नाउ आई एम गोना अप्लाई माय प्राइमर. एंड प्राइमर के लिए आई एम गोना बी यूजिंग दिस फॉरएवर 52 का प्राइमर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ फॉरएवर 52 एलेक्सर एंड इट्स अ वेरी नाइस प्राइमर गाइस. इट्स ज्यादा हाइड्रेटिंग है आई वुड से. अगर आपकी ड्राई स्किन है, इट्स ग्रेट फॉर दैट. एंड ऑल्सो द टेक्सचर इज वेरी नाइस, स्किन को काफी अच्छे से स्मूथ आउट कर देता है. सो नाउ आई एम गोना अप्लाई माय कलर करेक्टिंग कंसीलर. दिस इज मेबेलिन एज रिवाइंड इन द शेड मीडियम. सो गाइस, ये मेरी स्किन टोन से डार्क है. नाउ यू कैन अप्लाई अ कलर करेक्टर लाइक ऑरेंज कलर का या फिर पीच कलर का. यहाँ पे अगर आपकी स्किन टोन डार्क है और आपकी पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा डार्क है, आपको ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करना है. एंड अगर आपकी स्किन टोन लाइट है एंड आपकी पिगमेंटेशन ज्यादा है, लाइक पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा डार्क है, देन आपको पीच अप्लाई करना है. अदरवाइज अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, आपकी जो भी स्किन टोन है, आप अपनी स्किन टोन से हल्का सा डार्क कंसीलर अप्लाई करोगे तो आपकी सारी ये डिस्कलरेशन कैंसिल हो जाएगी. तो भी कंसीलर अप्लाई करने के बाद आई एम गोना वेट फॉर एटलीस्ट 30 seconds. उससे क्या होगा, कंसीलर हल्का हल्का ड्राई आउट हो जाएगा और उसकी जो कवरेज है वो और ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगी. सो अभी बात करते करते आई थिंक 30 seconds हो गए हैं. सो नाउ आई एम गोना ब्लेंड इट ऑल आउट अच्छे से डैब डैब करके. ना स्वाइप नहीं करना, स्वाइप करोगे पिगमेंटेशन ही नहीं मिलेगी, जहां पे अप्लाई किया कवरेज नहीं आएगी एंड यू विल बी लाइक कि यार प्रोडक्ट ही हट गया. एंड आपने नोटिस किया होगा कि इवन तो मेरे स्किन के ऊपर एक्ने स्पॉट्स थे, पिगमेंटेशन थी, मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई किया. उससे क्या होगा, उससे क्रीसिंग नहीं होगी, प्रोडक्ट्स इकट्ठे नहीं होंगे एंड ऑफकोर्स मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. ओके गाइस, नाउ फाउंडेशन के लिए आई लव यूजिंग दिस फाउंडेशन. दिस इज द फॉरएवर 52 का फाउंडेशन इन द शेड FLF 011. सो दिस इज अ वेरी गुड कवरेज फाउंडेशन. ऑल्सो एज अ ब्राइडल इट वर्क्स वेरी नाइस. एंड फॉरएवर 52 ऐसी मेकअप की ब्रांड है जो कि प्रोफेशनल मेकअप सेल करती है, बट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. सो भी मैं नेक पे भी अप्लाई करूंगी, जब मैं अपना आउटफिट वेयर करूंगी, जितना भी एक्सपोज एरिया होगा वहां पे भी अप्लाई करूंगी. ऑल्सो गाइस, मेरी नेक के ऊपर भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी एंड मैंने वाला सीरम यूज किया, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल गई है मुझे. सो नाउ आई एम गोना टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर और उसकी हेल्प से मैं अच्छे से डैब डैब करूंगी. इट विल मेक श्योर कि मेरी स्किन एकदम नेचुरल लगे एंड मेरा मेकअप जो है वो बहुत ज्यादा केकी या फिर हैवी ना बने. ओके, नाउ आई एम गोना टेक फॉरएवर 52 कंसीलर. दिस इज इन द शेड 001. सो दिस इज द लाइटेस्ट शेड आई गेस एंड मैं इससे अपने फेस को हाईलाइट करूंगी. सो जो भी हमारे हाईलाइटिंग एरियाज होते हैं अंडर द आई एंड ऑन योर फॉरहेड, इस एरिया के ऊपर, तो ये जो एरियाज होते हैं हमारे सेंटर ऑफ फेस होता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वहां पे थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट दें. उससे क्या होगा, आपके फेस को अच्छा एक स्ट्रक्चर मिलता है
एंड आपका फेस भी काफी ज्यादा खिला खिला सा लगता है। तो इस कंसीलर को मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। नाउ यू हैव टू मेक श्योर जब भी आप अपना हाइलाइटिंग कंसीलर को ब्लेंड कर रहे हो, जस्ट बी श्योर कि आप डैब डैब करके ही ब्लेंड करो, डोंट स्वाइप योर ब्रश। स्वाइप करोगे तो हाइलाइटिंग का कोई पर्पस नहीं रहेगा, क्योंकि जहां पे अप्लाई किया वहां से प्रोडक्ट हट जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सेट द फेस सेटिंग। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इट विल मेक श्योर कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो सेट करने के लिए ऑलवेज बी श्योर कि आप जब भी ब्राइडल मेकअप करो या फिर इस टाइप का मेकअप करो जो कि बहुत ज्यादा देर तक रखना है फेस के ऊपर, जस्ट बी श्योर कि आप लूज पाउडर ही यूज करो, कॉम्पैक्ट पाउडर ना करो। कॉम्पैक्ट विल जस्ट गिव यू अ नाइस कवरेज देगा एंड ऑल्सो आपका 3-4 आवर्स के लिए मेकअप को सेट करके रखेगा। उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर में इतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता, क्योंकि लूज पाउडर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा माइन्यूट होते हैं तो वो अच्छे से स्किन में चले जाते हैं एंड आपके मेकअप को सेट कर देते हैं। वेरस कॉम्पैक्ट पाउडर स्किन के ऊपर बैठा रहता है, अच्छे से सेट नहीं कर पाता। सो बेसिकली 3-4 आवर्स तक ही मेकअप रहता है। ओके, नाउ यू कैन नोटिस मेरा फेस बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, सारे जो भी मेरे फेस के फीचर्स थे, स्ट्रक्चर थे, वो चले गए हैं। सो नाउ मैं टेक अ ब्रॉन्जर, वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर ले रही हूँ मैं, काफी अच्छा अफोर्डेबल ब्रॉन्जर है। सो आई एम गोना टेक इट और थोड़ा सा अपना फेस के ऊपर कलर ब्रिंग बैक करेंगे एंड इट विल ऑल्सो एड अ नाइस स्ट्रक्चर भी देगा मुझे एंड मेरे फेस पे कलर भी लेके आएगा। एंड ऑफकोर्स मैं इसी से ही अपनी नोज को भी कॉन्टोर करूंगी। सो अभी जस्ट मैं कलर को डिपॉजिट कर रही हूँ, उसको ब्लेंड आउट मैं बाद में करूंगी। थोड़ा सा सजेस्ट किया आप कॉन्टोरिंग हैवी हैंडेड ही करो, क्योंकि पिक्चर्स क्लिक होती हैं एंड पिक्चर्स में हमारा फेस थोड़ा सा हैवी लग सकता है। सो जस्ट बी श्योर टू कॉन्टोर योर जॉ लाइन एंड नाउ छोटे ब्रश की हेल्प से आई विल कॉन्टोर माई नोज। सो नाउ आई थिंक इंस्टेंटली यू कैन नोटिस कि मेरे फेस के जो भी स्ट्रक्चर था, फीचर्स थे, वो ब्रिंग बैक हो गए हैं, वापस मेरे फेस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ गया। एंड आई एम गोना अप्लाई माय ब्लश। तो ब्लश के लिए आई एम गोइंग टू मिक्स दीज टू कलर्स, इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूंगी। दिस इज दी मेबलिन मास्टर ब्लश पैलेट और हाईलाइटर के लिए आई अप्लाई दिस हाईलाइटर। नाउ गाइज, अगर आपके फेस के जो चीक्स है वो बिल्कुल फ्लैट है एंड यू वॉन्ट कि आपके चीक्स थोड़े से फिल्ड लगे, सो जस्ट बी श्योर कि आप यहाँ पे ब्लश को अप्लाई करो। एंड अगर आपका फेस थोड़ा सा हैवी है एंड आपके चीक्स जो है वो काफी ज्यादा थिक है और हैवी से हैं, सो जस्ट बी श्योर कि आप आउटवर्ड्स अप्लाई करो। सो दीज आर दी ट्रिक्स टू यू नो चेंज योर फेस शेप, जिस तरीके से आप कर सकते हो, बट नाउ इट्स टोटली अप टू यू आपको कैसा अप्लाई करना है। आई लाइक टू अप्लाई इट ऑल द वे, लाइक मुझे तो ब्लशेस बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं तो यहाँ पे भी अप्लाई करती हूँ एंड फ्रंट पे भी अप्लाई करती हूँ। सो एब्सोल्यूटली लविंग दिस ब्लश, बिल्कुल प्यारा सा ब्राइडल ग्लो लग रहा है मेरे फेस के ऊपर। सो नाउ मैंने अप्लाई माय हाइलाइटर। नाउ अडेज मुझे हाइलाइटर ना बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रीक लाइन की तरह अप्लाई करना नहीं अच्छा लगता। व्हाट आई लाइक टू डू इज पहले मैं हाइलाइटर को प्लेस कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कलर इज वेरी सटल, सो मैंने हाईलाइटर अप्लाई कर लिया एंड नाउ आई एम गोना टेक माय ब्लश ब्रश जिससे मैंने ब्लश अप्लाई किया था एंड आई एम गोना मर्ज एवरीथिंग टुगेदर। इससे एक प्रोमिनेंट सी हाईलाइटर की लाइन नहीं दिखेगी एंड माय स्किन विल लुक वेरी नाइस एंड नेचुरल। सो कैन यू नोटिस कि कितना प्यारा लग रहा है हाईलाइटर। ऑफकोर्स आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन माई हाईलाइटिंग एरियाज, लाइक माई फॉरहेड के ऊपर, लिटिल बिट ऑन द चिन। एंड नोज को हाईलाइट करने के लिए आई एम गोना टेक अ स्मॉलर ब्रश। बड़े ब्रश से अप्लाई करूंगी तो ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई होगा एंड ऑफकोर्स नोज जो है वो ज्यादा ब्रॉड लगेगी। ओके, नाउ माई स्किन इज लुकिंग नाइस एंड हेल्दी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आई मेकअप। आई एम गोना टेक दिस वेट एंड वाइल्ड की आई शैडो पैलेट, दिस इज दी वी आई पर्पल पैलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेक दिस ग्रे टोन्ड ट्रांजिशन कलर एंड जस्ट गोना अप्लाई दिस राइट ऑन माई क्रीज एरिया। सो ये अच्छे से मेरी आईज को एक स्ट्रक्चर देगा, ऑल्सो डेप्थ भी एड करेगा। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले अपनी आईब्रोज को फिल करना चाहिए, तभी थोड़ा सा कुछ आई मेकअप में स्ट्रक्चर दिखेगा, अभी ऐसे क्योंकि वियर्ड सा लग रहा है। नाउ आई गोना टेक दिस पिंक टोन वाइन कलर है ये, और इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर अप्लाई करूंगी। तो मैंने अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर अप्लाई किया, ऑल्सो थोड़ा सा क्रीज में भी लेके गई हूँ एंड यहाँ इनर कॉर्नर तक मैं इस कलर को लेके आई हूँ। तो इट लुक्स वेरी प्रिटी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है आईलिड्स के ऊपर। एंड नाउ आई एम गोना टेक दिस लिक्विड आई शैडो फ्रॉम फॉरएवर 52, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है एंड आई विल अप्लाई दिस राइट इन माय इनर कॉर्नर्स। सो यू कैन सी इसको मैंने अपनी हाफ आईलिड के ऊपर अप्लाई कर दिया। नाउ क्विकली गोना ब्लेंड दी लाइन, ये जो लाइन आ रही है इसको मैं फटाफट से ब्लेंड कर लूंगी। ऑल्सो गाइस ये बहुत ही ज्यादा जल्दी सेट होता है, सो जस्ट बी क्विक विद इट, फटाफट से आपको करना पड़ेगा ये। और सो मैं इसको अपनी लोअर लैश लाइन के इनर कॉर्नर्स में भी अप्लाई करूंगी। आई एम गोना टेक दिस ब्लैक कलर और इससे मैं अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ी सी डेप्थ दूंगी। अप्लाई अ कोल लाइनर वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन और इसको मैं अप्लाई करने के बाद स्मच करूंगी। ऑल्सो गोना टाइट लाइन माई आई।
So I'm gonna repeat the same on this side where my false eyelashes and I'll be right back. पहले ब्राउनी न्यूड पेंसिल से मैं अपनी लिप्स को लाइन कर लूंगी अच्छे से. And now for nude lipstick, I'm gonna apply this Forever 52 की lipstick. This is in the shade Innocent. This is basically a liquid lipstick, so it will stay a very good amount of time. This is my final look. If you like this video, then don't forget to give this video a big thumbs up. And I will see you guys in my next video. Bye guys.